जी हाँ दोस्तों, बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने जब से ये बड़ा कदम उठाया, अपनी ही जान लेने की कोशिश की है, तब से ये कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, साहिल खान का ये कहना है कि मेरा इस केस से ज़्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैंने सिर्फ एक स्टोरेट को लेकर कुछ बातें छेड़ी थी, लेकिन वहाँ पर मनोज पाटिल का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसके बाद से दोस्तों ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। साहिल खान का ये बयान सामने आया जो हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मनोज पाटिल का पूरा परिवार काफ़ी परेशान है, जो ओशिवारा थाने में कंप्लेंट लिखवाने गया था। यहाँ पर जो कुछ भी गंभीर आरोप लगाए गए साहिल खान के खिलाफ और जितने भी इन सब में विवाद फंसे, उन सब के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर कराने गए थे। लेकिन वहाँ पर दोस्तों, जब इनसे इंटरव्यू किया गया, इनसे पूछताछ की गई कि किस वजह से मनोज पाटिल ने बड़ा कदम उठाया, क्या परिवार इस बारे में जानता है, तो पिता का तो मानना है कि उनको ज़्यादा इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन माता ने जो बयान दिया वो हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर मनोज पाटिल की माँ ने दोस्तों ये बयान दिया कि पिछले 2 सालों से साहिल खान मुझे परेशान कर रहा है, यही सारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो मेरे को काफ़ी धमकियां देता है, सामने वाली बिल्डिंग में भी आया था, काफ़ी कोशिशें भी करता है, अलग अलग तरह की साजिश रच रहा है। ये सारी बातें खुद मनोज पाटिल की मां ने मीडिया इंटरव्यू के दौरान बातें रखी सबके सामने। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बताया कि साहिल और जितने भी उनके खिलाफ हैं वो धमकियां देते हैं, और वो बार बार, यानी कि मनोज पाटिल बार बार अपनी माँ से ये कहता था कि अगर मैं कोई बड़ा कदम उठा लूँगा, कुछ अपने साथ गलत कर लूँगा, तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरे अलावा इस घर में कमाने वाला कोई और नहीं, मेरी कमाई से घर चल रहा है, तो आप लोग अपना कैसे पालन पोषण करोगे, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊँगा। लेकिन अब मनोज पाटिल ने सच में ये बड़ा कदम उठा लिया, ये सारी बातें वो कहता था, और उससे पहले कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से वो सपोर्ट लेने भी गए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बातचीत की। लेकिन एक तरफ साहिल खान का बयान सामने आया जो दोस्तों हमने अपने पहली वीडियो में आपको बता दिया, वो बयान और यहाँ पर मनोज पाटिल के परिवार का बयान, उनका लिखा नोट किस ओर इशारा कर रहा है, ये कॉन्ट्रोवर्सी एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। लेकिन मनोज पाटिल की माँ का यही कहना है कि वो लगातार उनसे यही कह रहा था कि वो कुछ बड़ा कदम उठा लेगा, उसको भारत देश का नाम रोशन करना है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, उसको बहुत आगे जाना है, लेकिन डर भी है कि उसके साथ कोई बॉडी बिल्डर कुछ गलत ना कर दे, वो कहीं बड़ा कदम ना ले, अपनी ही जान ना ले ले, ऐसी बातें मनोज पाटिल अपनी मां के सामने कर चुका था। अब सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जब उसका इकलौता बेटा उसके सामने ऐसी बातें कर रहा हो। तो माँ का तो दोस्तों रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन दूसरी तरफ अब मनोज पाटिल का कूपर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे इस केस में, जो भी जानकारी आएगी आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। बस चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।